हेलो जान, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? गार्डनिंग बेबी, सुबह सुबह गार्डनिंग? सुबह सुबह? वाह यार, वेरी ये नाइस। सूखे पत्ते हैं। अच्छा, ये नलियां कट गई इनकी। अच्छा, मगर इसका ये है कि रीग्रो कर जाएंगे। वाह नाइस। तो बस प्रॉपर मिट्टी, प्रॉपर खाद और टाइम पे पानी मिलना, सही तो ये वापस से ग्रो करेंगे। और ये माशाल्लाह इसका फूल बहुत प्यारा है। अच्छा, रेड कलर, मरून कलर का फूल है इसका। वाव, इसका ये है कि इसकी टाइमिंग है फूल की ना, अच्छा, खिलने की बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो इसको अगर आपका फूल देखना है इसका, तो आपको सुबह 5 बजे का ब्लॉग बनाना पड़ेगा। 5 बजे? जी, 5:30-6 बजे के करीब इसका फूल खिलता है। अच्छा, और प्रॉपर रेड मरून जो होता है ना कलर, ये वो कलर होगा इसका। अगर आपको ये बर्ड जिसके नज़र आ रहे हैं, तो ये देखें, ये रहा बर्ड इसका, ये रहा बर्ड, ये बर्ड, तो ये बर्ड अभी तक ख़राब नहीं हुए। सही, ये ग्रो हो जाएगा वापस से। अच्छा, बस इसको रूट्स पकड़नी है, इसको ज़मीन के अंदर पकड़नी। एक दफ़ा रूट्स पकड़ ली इसने, तो ये बहुत प्यारा पौधा है। वेरी नाइस। हाँ जी, तो ये देखें कितने मज़े की बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, और कितनी ही प्यारी सी सुबह है। तो यहाँ हम दोनों अपने गार्डन में खड़े हैं, और मेरे हस्बैंड जो है गार्डनिंग कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। नेचर से जुड़े रहना चाहिए, बहुत फ्रेश रहते हैं एंड हेल्दी भी रहते हैं। और आपके नज़दीक भी अगर कहीं पे भी गार्डन या थोड़ा सा भी ऐसे ग्रीनरी है, ग्रास है, तो आई वुड से कि आप सुबह सुबह थोड़ा वॉक क्या करें, जाया करें, ग्रास पे थोड़ा वॉक करें, और ये बहुत अच्छी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप खुद देखिएगा, मज़े की ब्रीथ लगती है, ऐसा लगता है खुल के सांस आ रही है ना, ठंडी ठंडी सी, बड़े मज़े की। अरे, बड़ी हेल्दी होती है आपके लिए ना, फुली ऑक्सीजन आपको मिलता। तो बच्चे स्कूल भेज के मोस्टली पेरेंट्स जो है सो जाते हैं, तो आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे काम करें तो। फ्लावर है, डेड फ्लावर है जी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, छोटे साइज के फ्लावर है ये। वाओ, वेरी नाइस। बड़े साइज का फ्लावर है, उसका फ्लावर इतना पूरा आपके हाथ जितना फ्लावर होता है। वाओ, हमारा रोज भी उग गए, दिखाएं। हमारे रोज भी उग गए, दिखाएं जरा। देखिए, ये रहा रोज, ये अटेंड हो गया है, ये रहा रोज, ये दो बर्ड जो है हमारे पास, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है इसका। वेरी नाइस। ये फिर हमारा ये रोज है, ये खिलेगा, ये खिलेगा। वेरी नाइस। और ये इसको क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं म्याज बो। ये है म्याज बो, हमने रिसेंटली कटवाई है। अच्छा, ये सारी पहले ऐसे हो गई थी। देखें, ये इसका एक टाइम होता है इसके फूल का ना। ओके, एक टाइम के बाद ये ऐसा हो जाता है, और जब ये ऐसा होता है तो उसके पास से बहुत प्यारी स्मेल आती है, इसका कावा भी बनता है। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। एंड गाइस, वैसे ही हम दोनों मियां भी का ये जो है पर्पल कलर मोस्ट फेवरेट है, और आप देखते हैं ये के पर्पल शेड है। अब देखें, हम पानी डालेंगे, क्योंकि गार्डन को जो है आप अर्ली मॉर्निंग पानी देंगे तो आपका गार्डन जो है ना बहुत मज़े का रहेगा ऐसा। और देखें, ज़्यादा ना आप घिचमिच भी नहीं करें, मतलब ज़्यादा। हाँ जी, हमारी बेल भी देखें, अभी हमने 2 मंथ्स पहले लगाई है, हमारी बेल देखें कितनी बढ़ गई है, माशाल्लाह से यहाँ तक आ गई है। वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, गार्डन को पानी दिया जा रहा है, ख्याल रखें गार्डन का, अपना भी साथ साथ, खूबसूरत लगेगा आँखों को, तो अंदर से भी आपको हेल्दी और खूबसूरत फील होगा। और ये गार्डन को पानी दे रहे हैं हम लोग। और मैं ये आपसे कह, तो ये देखें, हमारे पास जो है यहाँ पर हमने अपने ट्री के पीछे हमने लगाया हुआ धनिया और पुदीना। ये देख सकते हैं आप, धनिया कितना फ्रेश, कितना मज़े का लग रहा है। ये रहा पुदीना, और
क्या ही खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी अभी पानी डाला है तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू इसकी आ रही है। और ये वाले फूल भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, इनका कलर बहुत प्यारा है। और देखें कहीं कहीं थोड़े थोड़े से और बहुत खूबसूरत खूबसूरत से हमने जो है ऐसे पौधे लगाए हुए हैं, क्योंकि देखें ज़्यादा कर देंगे ना इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा से क्या होता है वो मैस भी क्रिएट होता है और सांप वगैरह नेवले वगैरह जो हैं वो आके छुप जाते हैं। और आप इनको ना मंथ में एक से दो बार थोड़ी सी डिगिंग करते रहें, थोड़ा खोद खोद के मिट्टी को ऊपर नीचे करें ताकि आपको पता चले नीचे इधर कोई कीड़ा वगैरह आके छुप तो नहीं गया। और खाद डालना इधर बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अभी हमने बारिशों के सीज़न में इसमें खाद डाली थी, ये देख रहे हैं कहीं कहीं पड़ी भी हुई अभी भी खाद। तो ये खाद डालने से जो है ना ये हमारे डिस्कलरेशन हो गए थे, वहाँ से ग्रीन था यहाँ से येलो हो रहा था, तो अब जो है ना सारा एक जैसा हो गया, बहुत ही खूबसूरत सा। ठीक है गाइस, इसके साथ ही हम अपना आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइज़। Bye, take care.